भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं से बैठक का दौर तेज कर दिया है ताकि भाजपा को चुनावों में बढ़त मिल सके और सीट पर कब्जा हो सके। इसी कड़ी में हमीरपुर के सर्वहित सुधार भवन में भाजपा त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें हमीरपुर के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में सांसद अनुराग ठाकुर ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। सांसद अनुराग ठाकुर ने देशवासियों को होली पर्व की बधाई दी और कहा कि होली के रंगों के त्योहार में पूरा भारत एक रंग में रंग जाए, यही कामना है। उन्होंने कहा कि जात पात को दरकिनार करके भारत आगे बढ़े, इसकी कामना है। मैं सभी हिमाचल वासियों को, देशवासियों को होली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बुराई को त्याग कर अच्छाई का रास्ता अपनाएं। होली के इस रंगों के त्यौहार पर सब एक ही रंग में रंग जाएं। पूरा भारत जात पात धर्म संप्रदाय सबको भूलकर भारतीय होने के नाते भारत को आगे बढ़ाने का काम करे। हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। होली के दिन सब मिलकर भारत के लिए भारत माता की जय और रंगों के त्यौहार में डूब जाएंगे। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर त्रिदेव सम्मेलन हर विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर भाजपा का गढ़ है और बीजेपी का प्रयास है कि गढ़ को कायम रखते हुए 19 मई को बीजेपी के पक्ष में जनता मतदान करे ताकि दोबारा से देश में मोदी प्रधानमंत्री बन सके। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हमने त्रिदेव सम्मेलन हर विधानसभा क्षेत्र में करने शुरू किए हैं और जैसे पिछले कल कुटलाहट में था, बड़सर में था, आज हमीरपुर और नदौन के हैं। इसी तरह से प्रेम कुमार धूमल जी ने जहां एक और बिलासपुर सदर और जिला बिलासपुर के बाकी कार्यक्रम किए, इसी तरह से अलग अलग बड़े नेता अलग अलग मंडलों में जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हमीरपुर, जो भाजपा का गढ़ गिना जाता है, उसको एक बार फिर भारी मतों से जिताएं और चारों की चारों सीटें हिमाचल में जिताकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बनाए। मैं भी चौकीदार को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानबाजी पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को इतना दर्द हो रहा है क्योंकि पिछले 5 साल में बिना घोटाले के बीजेपी सरकार ने काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और मोदी ने चौकीदार की भूमिका निभाई है और जनता फिर से मौका देगी तो इससे भी बढ़िया व्यवस्था देश को दी जाएगी। देखिए, कांग्रेस को इतना दर्द हो रहा है कि कैसे एक सरकार चली जहां पर 5 वर्ष में कोई घोटाला नहीं हुआ। कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घोटाले अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 2009 से 2014 तक किए। हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और आगे हम जनता के बीच में यही कहने जा रहे हैं कि अगर मोदी जी ने एक चौकीदार की भूमिका निभाई है, देश को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था बनाया, अगर आप फिर अवसर देंगे तो अब 5वें नंबर की नहीं 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में हम बन जाएंगे, ये मोदी ने किया है। यही नहीं, आयुष्मान भारत में 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में देना, 12.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया साल का उनके खाते में डालना, 2 करोड़ लोगों को पक्के घर बनाकर देना, 45 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 3,000 रुपये महीने की पेंशन मोदी सरकार लेकर आई, और यही नहीं 35 करोड़ लोगों के खाते खोले, 22 करोड़ लोगों को 12 रुपये में 2 लाख रुपये का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया। ये तो कुछ योजनाएं हैं, ऐसी ढेरों योजनाएं जो करोड़ों लाभार्थियों को लाभ मिला है। पिछली बार से ज़्यादा मत इस बार नरेंद्र मोदी जी को मिलेंगे और एक बार फिर हम इस देश के विकास के लिए दिन रात एक काम करेंगे। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर, प्रदेश सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री, भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर, मीडिया प्रभारी अंकुश शर्मा, मंडलाध्यक्ष बलदेव दीवान, कौशल विकास निगम के सदस्य नवीन शर्मा के अलावा अन्य गणमान्य मौजूद रहे।